बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम चैप्टर नंबर 8, केमिकल रिएक्टिविटी, एंड द टॉपिक इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीशियम मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीशियम को जनरली अगर हम देखें तो इसके अच्छे रिएक्शंस हम देख सकते हैं ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड हैलोजेंस। वन बाय वन अब इसको हम देखते हैं। ये आपको मैग्नीशियम मेटल नज़र आ रही है और इसको वायर की फॉर्म में फोल्ड किया गया है। इट इज़ अ सॉफ्ट मेटल। मैग्नीशियम जो है वो इसका एटॉमिक नंबर 12 है और इसका एटॉमिक वेट जो है वो 24 है और ये अल्कलाइन अर्थ मेटल से बिलोंग करती है। मैग्नीशियम की केमिकल एक्टिविटी को हम वन बाय वन देखते हैं। मैग्नीशियम रिएक्ट विद द हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस द हाइड्राइड्स, और हाइड्राइड्स जो हैं, ये बात याद रखिए स्टूडेंट, जब कभी मेटल्स, चाहे ग्रुप फर्स्ट मेटल्स हों, ग्रुप सेकंड हों या थर्ड हों, या इवन ट्रांजिशन मेटल्स हों, जब कभी मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगी तो हाइड्रोजन जो है वो एक्ट एज अ इस सूरत में, यानी जब मेटल के साथ हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा तो ये नॉन मेटल की तरह एक्ट करेगा हाइड्रोजन, और ये इलेक्ट्रॉन लेगा मैग्नीशियम से और हाइड्राइड्स बनाएगा। और ये हाइड्राइड्स जो हैं, दीज आर एक्ट एज अ ड्राइंग एजेंट। केमिकल इंडस्ट्रीज में बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जिनके एंड पे जब प्रोडक्ट्स बनते हैं तो साथ वाटर बनता है। उस वाटर की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है उस कंपाउंड के साथ, इसीलिए वहाँ उन रिएक्शंस में हाइड्राइड्स को एज ए ड्राइंग एजेंट इस्तेमाल किया जाता है। और हाइड्राइड्स जो हैं वो आमतौर पर पाउडर फॉर्म में होते हैं। ये एक्स्ट्रा मॉइस्चर या एक्स्ट्रा जो वाटर पोर्शन है उस कंपाउंड का, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के साथ भी मैग्नीशियम का जब रिएक्शन होगा, अब नाइट्रोजन इज़ अ नॉन मेटल, ठीक है, अब जब ये रिएक्शन होगा तो नाइट्रोजन मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बनने वाले प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, नाइट्राइड्स। नाइट्राइड्स की भी बहुत इम्पॉर्टेंस है केमिकल इंडस्ट्री में, कि नाइट्राइड्स को एज ए सिरामिक्स पाउडर यूज़ किया जाता है, कवरिंग की जाती है, कोटिंग की जाती है इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर या ऐसे यूटेंसिल्स के ऊपर के जिन्होंने जिनको इस्तेमाल किया जाता है हाई टेम्परेचर जोन में, तो इनके नाइट्राइड्स के कवरिंग से या इसकी कोटिंग से थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो बहुत बढ़ जाती है और टेम्परेचर जो है वो हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स तैयार किए जाते हैं ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन करता है। जब कभी मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, नतीजे के तौर पर एक वाइट पाउडर हमें ऑब्टेन होगा जिसको हम मैग्नीशिया कहेंगे, एंड इट इज़ अ बेसिकली ऑक्साइड्स ऑफ मैग्नीशियम। आप ये इसकी इसमें रिएक्शन में भी देख सकते हैं कि मैग्नीशियम रिएक्ट विद द ऑक्सीजन विल प्रोड्यूस द मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड इट विल प्रोड्यूसिंग द डेजलिंग लाइट। जैसे मूवी लाइट आपने देखी है ना, बहुत ही ब्राइट लाइट होती है जिसको इंसान देख नहीं सकता, इस किस्म की जो है वो बर्निंग से मैग्नीशियम रिबन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब बर्न करता है तो फिर ये वाली कंडीशन, ऐसी लाइट प्रोड्यूस होती है। इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड को, इसी पाउडर को जब वाटर में मिक्स कर दिया जाए तो जो कंपाउंड बन जाएगा नया वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा, विच इज़ आल्सो नोन एज बेसिक सॉल्यूशन, क्योंकि इसकी जब पीएच चेक की जाती है ना तो वो पीएच इसकी नियर टू 14 होती है, और ये बेसिक सॉल्यूशन ऑब्टेन होता है इंडस्ट्रियल स्केल में। इसके मुख्तलिफ जो हैं वो यूजेस हैं। यहाँ आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न किया जाता है तो हमें ये पता है, एज वी नो दैट ऑक्सीजन इज़ एवरीवेयर, तो बर्निंग प्रोसीजर को सपोर्ट करती है ऑक्सीजन, और नतीजे के तौर पर जो वाइट पाउडर था ऑब्टेन होता है जिसको यहाँ चाइना डिश में जमा किया जा रहा है, इसको हम मैग्नीशिया कहते हैं, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इसी तरह जो वाटर के साथ जब इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिएक्शन करवाया जाए तो नतीजे के तौर पर हमारे पास
स्ट्रॉन्ग बेस प्रोड्यूस होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ डायग्राम में आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं, वेन एवर मैग्नीशियम रिएक्ट विद द नाइट्रोजन, तो जो पाउडरी फॉर्म आपके पास प्रोड्यूस हो रहा है, ये कंपाउंड है जिसको हम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड कहते हैं। इसी पाउडर को जो है वो पेस्ट की फॉर्म में अप्लाई किया जाता है मुख्तलिफ यूटेंसिल्स पे, मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स पे, जिनको हाई जोन, टेम्परेचर जोन में इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नीशियम का नेक्स्ट यूज़ हम देखते हैं, इसकी केमिकल रिएक्शंस को अगर हम देखते हैं, तो मैग्नीशियम बहुत अच्छे रिएक्शन शो करेगा स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ। मेटल्स आमतौर पर जब कभी एसिड्स के साथ रिएक्शन करती हैं, तो मेटल विल प्रोड्यूसेस द हाइड्रोजन गैस जनरली एंड सॉल्ट्स। अब यहाँ चूंकि HCl इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, अब HCl जो है जब मैग्नीशियम से रिएक्शन करेगा तो नतीजे के तौर पर मैग्नीशियम क्लोराइड एक सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नीशियम व्हेन रिएक्ट विद द सल्फ्यूरिक एसिड, ये एक और हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन में मैग्नीशियम जो है वो सल्फेट सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा और हाइड्रोजन गैस। एक बार याद रखिए स्टूडेंट्स, जिन कंपाउंड्स के एंड पे सल्फेट्स हों, SO4 हों या क्लोराइड्स हों, वो नेचर में सॉल्ट्स होते हैं एंड दीज आर न्यूट्रल कंपाउंड्स। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद द हैलोजन। अब यहाँ हम दो इम्पॉर्टेंट हैलोजन्स देख सकते हैं, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। वेन एवर मैग्नीशियम रिएक्ट विद द क्लोरीन, इट विल प्रोड्यूस द क्लोराइड सॉल्ट्स, एंड वेन एवर मैग्नीशियम रिएक्ट विद द ब्रोमीन, इट विल प्रोड्यूस ब्रोमाइड सॉल्ट। ये भी नेचर में क्या हैं, न्यूट्रल सॉल्ट्स होते हैं। यहाँ आप डायग्राम में रिएक्शन देख सकते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर मैग्नीशियम मेटल को जब बर्न किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी क्लोरीन गैस, तो नतीजे के तौर पर जो क्लोराइड सॉल्ट्स बनेगा उसके बावजूद भी अंदर जो है टेस्ट ट्यूब के अंदर वो एक्सप्लोजन होती है, हल्के हल्के धमाके होते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम इज़ अ हाईली रिएक्टिव एंड क्लोरीन इज़ आल्सो अ इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सॉरी, और ये क्लोरीन जो है ये रेडिली इससे इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आउटर मोस्ट शेल को मुकम्मल करने के चक्कर में होता है, और मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लॉस करके अपने आउटर मोस्ट शेल को मुकम्मल करना चाह रहा होता है, इसीलिए ये रिएक्शन जो है दोनों का एक्सट्रीमली एक्सप्लोसिव भी होता है और नतीजे के तौर पर मैग्नीशियम का क्लोराइड सॉल्ट ऑब्टेन होता है। इट्स एंड ऑफ द लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैल्शियम के साथ डिस्कशन करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।